तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सुमन अस्वाल और आप देख रहे हैं एसएसए मेडिसिन यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका अपने ही एसएसए मेडिसिन यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस खतरनाक और इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो में, क्योंकि आज एक कमाल का मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तभी आप लोग सीख पाओगे इस कमाल की मैजिक ट्रिक का सीक्रेट क्या है, इसे कैसे करते हैं। ये मैजिक ट्रिक बहुत ही कमाल की है, इसे आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हो, कहीं पे भी, स्टेज पे, स्कूल में, सड़क पे, कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म कर सकते हो, उनको हैरान कर सकते हो, जरूरी हैरान हो जाएंगे और आपको जादूगर मानने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी बनना चाहते हो एक खतरनाक जादूगर तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इस चैनल पे मैं जो भी मैजिक लेके आता हूँ वो बहुत ही खतरनाक या मतलब बहुत ही अच्छा मैजिक होता है, जादू होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जादू कोई होता नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि यार जादू मंत्र विंतर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस जो भी रहती है हाथ की सफाई और हाथ की प्रैक्टिस और हाथ की ट्रिक रहती है। तो ये मत सोचना है कि जादू, जैसे जादूगर अगर जादू ही करता है तो अगर वो आग से नोट बना सकता है तो जादू क्यों दिखाए, भाई घर पे बैठ के ही नोट बना सकता है ना, अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। तो यही एक हाथ की ट्रिक रहती है, हाथ की चालाकी रहती है, ठीक है। तो बिना किए आपको बहुत शुरू करते हैं आज का जादू का स्टोर। तो सिंपली आज के इस मैजिक के लिए मेरे पास है एक खाली बॉक्स जिसमें कि यहाँ पे फिंगर भी डालता हूँ तो आर पार हो जाती है। दूसरा है मेरे पास एक कार्ड जो कि एकदम नॉर्मल रियल कार्ड है, दिखा सकते हो, ठीक है, आप लोग देख सकते हो एकदम रियल कार्ड है। इस कार्ड का नंबर आप नोट कर दीजिए, इस कार्ड का नंबर है चिड़ी का 9, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को सिंपली इसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि हाथ पे कुछ भी नहीं है, ये मत सोचना हाथ पे कुछ ट्रिक है, हाथ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी देख सकते हो इसमें फिंगर भी अगर डालूं तो आर पार हो जा रही है। सिंपली मैं इस कार्ड को इसमें डालता हूं, ठीक है। एक कार्ड मैंने आप लोगों के सामने इसमें डाल दिया है, अभी देखो एक कार्ड इसमें चला गया, ठीक है। तो अभी इसको जो ये है, इस पे ये एक इंसान है समझ लो, और इसको अपने बच्चों की बीवी की याद आ रही है, इसे घर जाना है। तो इसका घर है, सिंपली ये इसका घर है, इसके घर में अभी कोई भी नहीं है, इसके घर वाले सब गए हैं इधर उधर, तो ये सिंगल ही घर में जाएगा, बेचारा सो जाएगा। तो इस घर पे अभी कोई भी नहीं है, देख सकते हो, आप लोगों को लगेगा कोई घर में है, कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके घर में सुला देता हूँ, क्योंकि इसको बहुत याद आ रही है अपने बीवी बच्चों की। तो यहाँ पे सुला देता हूँ इसको, ऐसे देख सकते हो ये इसके अंदर चला गया। अभी थोड़ी देर ये सोएगा, तब तक मैं इसको थोड़ा मार देता हूँ, सुला देता हूँ इसको थोड़ा, ये जादू हो रहा है मतलब, देख सकते हो। तो अभी ये घर में सो चुका है, ये बाहर आने की सोच रहा है, तो ये बोल रहा है मेरे को, भाई बाहर निकाल, बहुत हो गया। तो बीबी बच्चों से मिलके आ चुका है, अभी इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत बोर हो गया, काफी दिन हो गए इसको घर में गए हुए। तो अभी इसको निकालते हैं बाहर, ये बाहर आ गया, और ये जो इसका घर है वो साइड में कर देते हैं, क्योंकि घर से अब कोई काम नहीं, इसके जॉब पे चला गया, ये अभी कमाई करेगा, बीबी बच्चों को खिलाएगा। तो घर मैंने साइड कर दिया और ये सिंगल सा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये घर पे ही है अपने, जो मैंने पहले आपको बताया था वही कार्ड है, सेम हियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस कार्ड को देख सकते हो, कार्ड सेम है, वही है, इस पे कुछ मैजिक करेंगे, कुछ जादू करेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सेम कार्ड सेम ईयर, इस पे कुछ जादू करेंगे और ये दोबारा घर चला जाएगा, ये अपने ही घर में चला जाएगा घर, जबकि मैंने यहाँ पे रखा है इसका, ये इसका घर है जो मेरे पॉकेट में है, ये खुद यही है। अभी करते हैं कुछ मैजिक, अरे यहां से घर गया है और पता नहीं कैसे गया, इसके पास भी कोई जादू है लगता है, तो ये घर पे चला गया, देख सकते हो ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, और ये इसका घर है जो मैंने इसको पहले अपने जेब में डाल दिया था इसके घर को। अब क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, पीछे कुछ हो नहीं रहा है, ये मत सोचना पीछे चीटिंग हो रही है। इस घर को हाथ पे रखते हैं और जहां पे ये था उसको जेब में डाल देते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने जेब में डाल दिया, इसका जो घर है वो मैंने वापिस हाथ पे ला दिया। तो अभी इस घर में देखते हैं क्या है, अरे यार ये तो घर में ही सो रहा है, देख सकते हो आप लोग, ये अभी भी घर में ही सो रहा है। मैंने सोचा यहाँ पे मेरे साथ आ गया, पर ये मैजिक की कुछ पावर से अपने घर से भाग गया था और फिर यहाँ पे आ गया था, उसके बाद ये यहाँ पे चला गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी कार्ड है, ठीक है, तो इस पे भी कोई भी कार्ड नहीं है, देख सकते हो मेरे पास एक ही कार्ड है और एक ही इसका है और इसका घर है। तो अभी कहीं पे भी कुछ नहीं है, ये चुपचाप मैजिक की कुछ पावर से यहाँ चला गया था और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सिंपल इसको अपने घर में सोने देते हैं, क्योंकि हमसे छुप के गया था। तो यार
उम्मीद करते हैं कि आज का जो मैजिक है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, नई ट्रिक ट्यूटोरियल की वीडियो डालूंगा तो आप तक आएगी और आप मैजिक उस मैजिक को बहुत ही जल्दी और बहुत ही पहले सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स बता दो इस मैजिक की ट्रिक क्या है, इसे आप लोग कैसे कर सकते हो, इसका जो प्रोडक्ट है वो कहां से परचेस कर सकते हो। तो चलो बिना समय गवाए आज की ट्रिक का रिव्यू करते हैं। ऐसे से मैजिशियन यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज के ट्रिक में आप लोगों को सिखाऊंगा इसे कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक कार्ड। आपकी जरूरत वैसे किसी चीज की नहीं पड़ेगी, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब मैजिक शॉप पे मिल जाएगा। ये तीनों जो चीज है ये मैजिक शॉप पे मिल जाएगी, तो इजीली आप मैजिक शॉप से परचेस कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे कॉल करके मंगवा सकते हो, मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, मैं कुरियर के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगा और इसका जो पेमेंट होगा वो आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सामान भेजने के बाद पेमेंट नहीं होगा, बल्कि पहले पेमेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सामान प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो कुरियर चार्जेस होगा वो भी आपको ही पे करना होगा, ताकि मेरे से बार बार कॉल करके ये ना पूछें कि कुरियर चार्जेस कितना, ये कितना, वो कितना। तो इसका जो चार्जेस रहेगा, इसका जो प्राइस रहेगा वो भी आपको ही देना पड़ेगा, और जो कुरियर चार्जेस लगेगा यहाँ से आप तक भेजने में वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा, तो आप तक सामान आ जाएगा। तो सिंपली इसके लिए आपको ये खरीदना पड़ेगा मैजिक शॉप से। अब इसे परफॉर्म कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। एक खाली पॉकेट है, इसे पहले जेब में रखते हैं या कहीं पे टेबल पे भी रख देते हैं। मेरे पास टेबल अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए जेब में रखा था। तो क्या दिखाते हैं कि ये कार्ड है, कोई भी कार्ड हो सकता है, मेरे पास सीढ़ी का 9 है तो कोई भी हो सकता है, 9 नंबर का एक कार्ड है। तो ये दिखाते हैं खाली है, वाकई में ये बिल्कुल खाली है, अभी इस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे आर पार सब कुछ देखा जा सकता है, उंगली डाली जा सकती है। फिर क्या करते हैं जादूगर, ऐसे कार्ड को इसके अंदर डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, और ये बड़ा फ्रेम में भी मिलता है, मेरे पास छोटा है, ये बड़े में भी मिल जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये इसका घर है, या कुछ भी ऐसी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, या नॉर्मली दिखाते हैं, तो कहानी सुना के अगर दिखाओगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये घर है, ये बिल्कुल खाली है, और ये वाकई में खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। फिर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम बाहर निकालते हैं, घर में गया किधर गया आई डोंट नो। तो इसको बाहर निकालते हैं, तो ये जो है ऐसे रहता है, अपने इसी में रहता है फ्रेम में। इसको वापस से वो टेबल पे या जेब में कहीं पे भी रख लेते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, और जैसे वो अपना हाथ घुमाते हैं ऐसे ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो चलो दिखाता हूं कि कैसे होता है। सबसे पहले ये जो कार्ड है, इसके अंदर एक कार्ड है जो बाद में भी दिखाते हैं कि आपने घर में भाग के चला गया, तो ये वही कार्ड है जो पहले दिखाया था। इसमें क्या सिंपल से ट्रिक है यार, कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे करोगे तो ये कार्ड यहाँ पे आ जाता है, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे करते हैं, दिखाने का परफॉर्म ये है कि जैसे ऐसे डालते हैं ना, तो इनमें जो ये गैप बना हुआ है ना, तो इतना काफी सारा जो गैप रखा हुआ है ना, इसीलिए रखा हुआ है कि इसके अंदर जो पत्ता है, जो तास है, वो कटिंग करके इतना ही बैठाया गया है कि वो पूरा कार्ड दिख सके। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना पूरा कार्ड, सेम ईयर। तो ऐसी जब ऐसा रहता है तो वो नीचे की तरफ डाउन किया हुआ रहता है, हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसको जैसे ही जादूगर यहाँ पे डालते हैं, ऐसे ऐसे जब जादूगर डालते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं रहता है, और रियली में कुछ भी नहीं रहता है। इस पॉकेट पे कोई भी ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसी फ्रेम पे है। तो वो क्या करते हैं, थैले को कभी भी देखना वो ऊपर से डालेंगे, क्योंकि नीचे से कोई नहीं डालेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर जिस जादूगर ने नीचे से थैला डाल दिया ना, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि कभी भी देखना वो थैला ऊपर से ही पहनाएगा उसको। ठीक है, क्यों पहनाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा, ये तास गिर जाएगा और दूसरा तास भी उधर ही दिख जाएगा, तो उसमें पकड़े जाने के चांस होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये जो पॉकेट है इसको ऊपर से डालते हैं, ऐसे ऐसे डालते हैं, और जब जादू मारने का बहाना करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा तो देखना किसी को भी, इसको ऐसे घुमा लेते हैं ऐसे। ठीक है, पहले तो ऐसे में डाला था, तो ऐसे में नहीं निकालेंगे वो ऐसे घुमाएंगे उसको, फिर बोलेंगे हम कुछ मंत्र मार रहे हैं। फिर जब वो निकालेंगे ना, ऐसे इन्होंने निकाला, तो ये कार्ड जो था ये यही वाला है, और जो ओरिजिनल कार्ड था वो इसके अंदर छूट चुका है, इसके अंदर ही रह गया है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसे में निकाला है। देखो
जब इसके अंदर कार्ड था ना, तो उन्होंने ऊपर कैसे में निकाला, ऐसे में निकाला ना, तो ऐसे में क्या होता है, ये देखो ये इधर आ जाता है और ये कार्ड इधर आ जाता है। तो जब ऐसा होता है तो ये कार्ड तो इसके अंदर ही रहता है, ये कार्ड ऐसे ही रहता है, ठीक है सेम। तो पकड़ तो क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं कहीं पे भी और बोलते हैं कि कार्ड अभी यहीं पे। उसके बाद एक दूसरी ट्रिक होती है कि यहां पे जो पीछे पत्ता दिख रहा है, अगर आप इसको सिंपली ऐसा घुमाओगे तो ये गिर जाएगा, तो पब्लिक को पता चल जाएगा सिर्फ एक ट्रिक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे सिंपली या इस हाथ से ऐसे करके दिखाते हैं कि देखो कार्ड यहीं पे है। फिर क्या करते हैं, कुछ बहाना करते हैं मैजिक करने का, जादू करने का। जैसे हाथ इसके सामने आता है, देखो जैसे हाथ इसके सामने लाते हैं तो ये उंगली जो है पीछे से इसे छोड़ देते हैं। तो जैसे ही उंगली छोड़ेगी तो ये कार्ड जो है अपने सेटिंग पे बैठ जाएगा। ये देखो अभी आ गया, तो उंगली मैंने पीछे रखी है तब तक ये कहीं नहीं जाने वाला, और जैसे मैं उंगली छोड़ता हूं ये कार्ड अपने सेटिंग पे बैठ जाएगा। उंगली कभी छोड़ दें, जब ऐसा करेंगे ना तो उंगली छोड़ देते हैं, तो लगता है कि मैजिक से गायब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैजिक ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अपने तरीके से अच्छे समझाने की कोशिश की है। और फिर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, मैं इसको कमेंट में या आपको दोबारा वीडियो बना के भी समझा सकता हूं। तो कमेंट करके बताएं कि मैजिक ट्रिक आपकी समझ में आई है या नहीं आई है, कितनी अच्छी है कितनी खराब है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे क्या होगा कि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप उन्हें सबसे पहले देख सकेंगे। चलो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।